नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली में। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कुछ अतिथि गणों के साथ में हमारे यहां पर सेवादार भी मौजूद हैं। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे अतिथियों को यहां पर कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए इस प्रोग्राम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कल्याणकारी मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत, जिसके तहत उन्होंने 1.5 करोड़ परिवारों के नशा छुड़वाए, और दहेज मुक्त भारत, जिसके तहत आज हमने देखा कि बहुत सारे विवाह हुए, इसको लेकर के ये क्या कहना चाहेंगे? इन सभी श्रद्धालुओं से हम जानेंगे, इन सभी अतिथिगणों से हम जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी इकरा हसन कहराना। क्या कहना चाहेंगे मैम आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो भी उन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और ये मानवता का आश्रम यहाँ पर खुला हुआ है, जिसमें देख के आज हमारे देश में ऐसे ही कार्यों की ज़रूरत है और आश्रम की ज़रूरत है, जो आपस में प्यार बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाए। और यहाँ आकर हमने देखा आज दहेज मुक्त यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, तो इस तरह के जो कल्याण के काम हैं समाज के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, और आश्रम के द्वारा वो हमारे इलाके में जो हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा देख कर, और बहुत ज्ञान और प्रेरणा यहाँ से हमें हासिल हुई। माफ़ी चाहूँगा, आप क्या करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी मैं कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और यहाँ पर ये कैराना लोकसभा का ही इलाका लगता है, तो हम यहाँ से जा रहे थे तो आश्रम में आना हुआ, और अंदर आकर हमने भी बहुत कुछ सीख मिली, हमें भी प्रेरणा मिली, और मेरे बड़े भाई यहाँ से विधायक भी हैं, तो ये हमारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, तो इसलिए यहाँ पर आना हुआ। बहन संत रामपाल जी महाराज जी ने 1.5 करोड़ परिवारों का नशा छुड़वा दिया है, आप क्या कहना चाहेंगी? नशे की वजह से अक्सर कर माताओं बहनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1.5 करोड़ फैमिलीज, हमारे कहने से तो एक परिवार का एक व्यक्ति नहीं सुधरता है, लेकिन एक 1.5 करोड़ परिवारों का नशा छुड़वा देना, उनकी पीढ़ियां हमेशा नशा मुक्त हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत ही बेहतरीन काम है और बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये करवाना आसान नहीं है, और महाराज जी ने ये इतने सारे परिवारों को जो नशा मुक्त कराने का काम किया है, ये बहुत ही अच्छा काम है, और इससे और भी लोग जो हमारे हैं यहाँ पर इलाके में, उन्हें भी शायद प्रेरणा मिले कि अपने अपने इलाके में सभी लोग इस तरह की मुहिम चलाएं, और बहुत अच्छा नेक काम है। अपने इलाके की बात की तो बहन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ के लोकल शहरियों से जानकारी लेते हैं, उनका कहना होता था कि जब ये आश्रम नहीं था उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा अराजकता का माहौल कभी कभार रहता था यहाँ पर, या ज़्यादा रहता था, उन लोगों के विचार हैं हमारे चैनल पर हैं। जब से ये आश्रम खुला है तब से यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सभी लोगों को बुलाते हैं, प्रेम से भोजन भंडारे कराते हैं, उनका स्लोगन भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जिस प्रकार से आप विधायक जी की बहन हैं और हमेशा संत जो राजा के जो प्रजा है या उस पूरी एरिया की बात को करें तो संत जोड़ के रखता है उस प्रजा को, और प्रेम भाईचारा बना के रखता है। संत का काम होता है कि आपस में समाज में एक प्रेम भाईचारा बना रहे, जो विधान है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो संत रामपाल जी महाराज करना चाह रहे हैं आप? जी बहुत बिल्कुल अच्छी बात है ये, यहाँ पर आश्रम खुला और आपस में लोगों का जो प्यार है वो बढ़ा है, सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी का यहाँ पर लगाव भी है, तो उससे भाईचारा पूरे इलाके में ही फैलता है, और इससे हमारे भाईचारे में जो आज हमारे देश को ज़रूरत है उस भाईचारे की ज़रूरत है जो ये आश्रम करने का काम कर रहा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बड़ी अच्छी बात है, आप तो देख रहे कई दिन से कवर कर रहे हैं, और ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे पास दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं ये परिवार, और आज भी हमारे सुख में साथ आया, खड़ा हुआ हमारे भंडारे में आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए परिवार है। अक्सर कर जब भी यहाँ पर अतिथिगण आते हैं आप बहुत खुश नजर आते हैं सर, इसके पीछे क्या कारण है सर हमारे दर्शकों को बताइए? नहीं खुश तो होना चाहिए ना अतिथि, ये पब्लिक के लिए ही है, अतिथियों के लिए ही है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जो इतना खर्चा हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े धर्म विभाग हो रहे हैं, ये अतिथियों के लिए होते हैं। भोजन में सर क्या क्या प्रदान किया जा रहा है? लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है, हलवा है, सब्जियां हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, पूरी है, सब्जी है, सलाद है, अचार है, काफी आइटम है, खिचड़ी दलिया वगैरह, सबके लिए, बीमार के लिए भी, स्वस्थ के लिए भी, सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने देखा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो अपना बेशकीमती टाइम दिया। जी बहुत बहुत।